फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इडली बनाएंगे समा के चावल से, व्रत वाली नवरात्रि स्पेशल में। उसके साथ एक चटनी बनाएंगे नारियल और मूंगफली की। ये जिस बाउल से हमने समा के चावल भिगो के रखे हैं सोख करके, 2 घंटा पहले हमने सोख किया था, 2 बाउल समा के चावल और 1/4 बाउल हमने ये साबूदाना सोख करके रखा है। इन दोनों को हमने जो है ग्राइंड करना है, फाइन पेस्ट बनाना है। फाइन पेस्ट बनाने के लिए हम ग्राइंडर में समा के चावल, दही और साबूदाना को मिला करके इसका एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा अच्छा सा जो है बन गया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है हमारा, बिल्कुल चिकना। इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए इडली के लिए। ये देखिए हम आपको छू के दिखाते हैं कितना स्मूथ बना है। इसी तरह से हम सारा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने ये थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं रोस्टेड, और नारियल है 1 इंच, अदरक का टुकड़ा हमने चॉप करके ले लिया, 2 हरी मिर्च है। इन सबको हम ग्राइंडर में डाल करके व्रत वाला नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, सी सॉल्ट, उसे डाल देंगे। और ये 2 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम चटनी बना करके इसकी तैयार कर लेते हैं। ये चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद इसका एक हम तड़का बना लेते हैं। पैन हमारा गरम हो गया, तड़का पैन, इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून घी डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं 1/2 टेबल स्पून। व्रत में राई नहीं खाई जाती है इसलिए नहीं डाल रहे हैं। 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, करी पत्ता डाल करके तड़का हमारा तैयार हो जाएगा, फिर इसे हम चटनी में डाल देंगे। ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब आधा घंटा हो गया, हम अपना जो है पेस्ट देख लेते हैं। इडली का पेस्ट भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, सेंधा नमक व्रत वाला डाल के इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हमने इनो लिया हुआ है, फ्रूट सॉल्ट है ये, इसे हम 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। इसी के ऊपर हम 1 टेबल स्पून पानी डाल करके बैटर जो है अच्छा सा इसको स्मूथ सा बना लेंगे। थोड़ा चला करके अच्छी तरह से हम इसे जो है मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हवा भर जानी चाहिए इडली के बैटर में। अब ये इडली का मोल्ड लिया है हमने, इसमें हमने घी लगा दिया है। घी लगा के हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसी में डाल देंगे। बैटर हमारा बहुत पतला नहीं होना चाहिए, जिस तरह का हमने बैटर बनाया थे ऐसे ही होना चाहिए बैटर इडली के लिए। ये इडली बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रवा की इडली है या दाल चावल की इडली है। ये व्रत वाले भी अब अच्छे से व्रत के टाइम पे इडली बना करके खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इडली के स्टैंड को हमने प्री हीट करने के लिए पहले से रख दिया था 5 मिनट पहले, अब हमने सारे मोल्ड में लगा दिए थे। इडली हमारी बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितने आसानी से इडली जो है मोल्ड में से निकल जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी इडली बन करके तैयार हुई है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और व्रत में ये इडली बना करके ज़रूर खाएं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए इडली हमारी पूरी बन करके तैयार हो गई है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक इडली हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से कितनी अच्छी जाली और कितनी सॉफ्ट इडली बनी है।